सो फ्रेंड्स, ये रहा दूसरा प्रदर्शन। आगे बढ़ते हैं, जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू वेलकम वन अनदर अचीवर पर्सनालिटी ऑफ फियोना हार्बर्स। जैसा कि मैंने बताया, ये सिंगिंग किंग है। अब आपके बीच मैं ला रहा हूं फियोना का आरडीएक्स। सो प्लीज वेलकम मिस्टर रंजीत दास, एग्जीक्यूटिव सीनियर डायरेक्टर फियोना हार्बर्स, मिस्टर रंजीत दास। आपके बीच उनका आगाज हो रहा है, तो वेलकम करें। सच्चे पातशाह बाग रू जाने की बनू दुनिया, समीर कुमार धारा, मिस्टर सुब्रत मुखर्जी एंड मिस्टर सुमित कुचेत। फेलिसिटेशन के समय तालियां नहीं बजती हैं क्या? और सीटियां और गले की आवाज? ऑलराइट। हेलो 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 हेलो, थैंक यू करन नटियां आ गईयां बले तो अंग्रेज वटियां। आई डोंट लाइक दी पंजाबी हिंदी नू, शर्म नहीं आती सानू गाला दिंदी नू, शर्म नहीं आती सानू गाला दिंदी नू। हर बोली सिखो सिखनी भी चाहिदी, हर पक्की देख के कच्ची नहीं ढाईदी, हर पक्की देख के कच्ची नहीं ढाईदी। नशियां ने पत्र दे पंजाबी गबरू, कड़कन हड्डियां बचाउण डमरू, शास्ता ने मारनी जवानी चढ़दी, दिल मिल किते अख किते लड़दी, मर जाने माना की भरोसा गल दा, पुरानी मनाई दा किसे दी गल दा, कह गए लोक सियाने। हो की बनू हो की बनू हो की बनू हो की बनू दुनिया दा सच्चे पातशाह बागरू जाने, की बनू दुनिया दा सच्चे पातशाह बागरू जाने, की बनू दुनिया दा। बिस्मिल्ला तेरी जुगनी, आए तारे आवे तेरी जुगनी, साईं घोड़ा वाले आवे जुगनी, अल्लाह बिस्मिल्ला तेरी जुगनी। अल्लाह बिस्मिल्ला तेरी जुगनी, तारे आवे तेरी जुगनी। एंड द चेक अमाउंट ऑफ रुपीस 4,90,000, सीनियर डायरेक्टर फियोना हार्बर्स। Along with car, bike, amount, check amount of rupees 4,90,000. Thank you sir. Thank you Subratada. Thank you Sumit. ਗਰੇ ਵੀ ਗਏ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਕਰੂ ਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ ਸਟੇਜ ਇਜ਼ ਯੋਰਸ। ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਆਪ ਮੁਝੇ ਪਿਆਰ ਕਰਤੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰ। ਇਹ ਜੋ ਮੇਰਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਸਕਾ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਆਪ ਲੋਕ ਹੈ, मेरे टीम के हर एक एसोसिएट जिन्होंने मेहनत करके हमको इस पोजीशन में लाए,
और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे मेंटर, माय गुरु, माय अपलाइन, माय फिलोसोफर सुब्रतो सर, सुब्रतो दा, लव यू दादा, लव यू, लव यू, रियली लव यू, लव यू. कंपनी मैनेजमेंट टीम, ईच एंड एवरी वन इज वेरी प्रीशियस फॉर मी. और मैं कहना चाहता हूँ जितना मेरा तजेंद्र भाई भी है यहाँ पे है, टीम के लोग भी हैं, सबको मैं शुक्रिया इसलिए करना चाहता हूँ, चलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं एक ही परिवार में, है ना सर? तो सर, मंटू सर कान में बोल के गए हैं 2 मिनट से ज्यादा बातें नहीं करना, अभी मैं क्या करूं. एनीवे सर, मैं एक मैसेज देना चाहता हूं आपको. पिछला 2 साल से मेहनत करके जिस पोजीशन में मैं आया हूं और काम करते करते जितना भी छोटी सी तजुर्बा बना है उसमें मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं सर, ये बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद कुछ लोग समझते कि बिजनेस समझ लेते हैं फिर करते हैं. मैं बोलूंगा नहीं सर, बिजनेस समझ के आप नहीं कर पाएंगे, बिजनेस स्टार्ट कीजिए, करते करते समझ जाएंगे आप. समझ के कुछ नहीं होता सर. हमारी सोसाइटी में अरेंज मैरिज होता है कि नहीं होता है? हेलो, अरेंज मैरिज होता है कि नहीं होता है? होता है. अरेंज मैरिज में होता क्या है सर, लड़का देखने जाते हैं लड़की को, बराबर है कि नहीं सर? बराबर है कि नहीं? लड़का देखने जाते हैं लड़की को दोस्तों के साथ, पिताजी के साथ. लड़की भी आती है, बैठती है समोसा वमोसा लेके, बस एक नजर उनको देखा जाता है. 10 मिनट 15 मिनट बात के बाद, बातचीत होने के बाद लड़की वालों के घर के सभी लोग घर से गायब हो जाते हैं, लड़की को अकेला छोड़ के, या उनके मौसी के साथ छोड़ा जाता है. फिर 2-3 मिनट के अंदर मौसी भी चली जाती है, लड़की को बोलती है बेटा बात कर लो. बोलते कि नहीं बोलती है? हेलो, यस. तो लड़का और लड़की एक ही कमरे में 2-4-5 मिनट बात करने का मौका मिलता है. लड़का लड़की से यूनिवर्सल 4-5 सवाल पूछते हैं. आपको मालूम है ये बात, जो लोग शादीशुदा है. पहला सवाल शायद ये पूछा जाता है, शादी के बाद घर में माता पिता भाई बहन सबके साथ रहना पड़ेगा, क्या तुम रेडी हो? शायद ऐसा पूछता होगा. दूसरा सवाल ये भी पूछता होगा, शादी के बाद तुम इंडियन ड्रेस पहनोगी या वेस्टर्न ड्रेस पहनोगी? इस तरह 4-5 बातें होता होगा. इसी में उनके मौसी जी वापस आ जाती है, लड़की की मौसी, फिर लड़की को लेकर चली जाती है अंदर. लड़का घर वापस आता है, पहले मुलाकात होता है पिताजी से, मतलब इंटरेक्शन पिताजी से पहले होता है. पिताजी पूछते हैं लड़की पसंद आई? हाँ कर दूँ? पूछते कि नहीं पूछते हैं? हेलो, पूछते हैं. लड़की के घर में भी यही सवाल पूछा जाता है, तेरे को पसंद है? हाँ कर दूँ क्या? अभी मुझे बताइए, 5 मिनट की कन्वर्सेशन में एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे? पहचानना पॉसिबल है? पॉसिबल है? नो. सिर्फ एक चीज वहां पे काम करती है दोस्त, लड़की को देख के अगर फीलिंग्स अंदर में अच्छा आता है तो शादी में हा होता है, फीलिंग्स अगर अच्छा नहीं आता है तो शादी में ना होता है. मेरी मैसेज आपके लिए यही है, इस तरह का सेमिनार में बैठ के अगर आपके मन में फीलिंग्स अच्छा आ रहा हो तो बिजनेस जरूर करो दोस्त, करते करते समझ जाओगे, समझ के बिजनेस नहीं कर पाओगे दोस्त. कईयों को मैंने देखा हूं पिछला 2 साल से, कईयों को मैंने देखा हूं. नहीं सर, तरीका गलत है, बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए. हम लोग साथ में हैं, सुब्रतो सर, मैं, तजेंद्र, ये लोग सब कुछ सीनियर लोग साथ में हैं. स्टार्ट कर दीजिए बिजनेस, 6 महीना बाद एक तजुर्बा होगा, एक अंडरस्टैंडिंग होगा, जूनियर मैनेजर बनेंगे या मैनेजर बनेंगे, अगला लेवल पे जा सकते हैं 6 महीने में. आप धीरे धीरे जिस तरह आपका अचीवमेंट बढ़ता जाएगा, जूनियर मैनेजर से मैनेजर, मैनेजर से सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वगैरह वगैरह, धीरे 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 अंडरस्टैंडिंग आपको आगे लेके जाएगी, और वही अंडरस्टैंडिंग आपको यहां पर स्टेज में लगे खड़ा करेगी. और मेरे टीम के कुछ फर्स्ट लाइन लीडर्स, सेकेंड लाइन लीडर्स, थर्ड लाइन लीडर्स, एंड अप टू जूनियर मैनेजर एंड कोऑर्डिनेटर,
मैं वादा करता हूं सर, करना चाहते हैं तो हम साथ देंगे, साथ देंगे सर, जैसा भी हो, जिस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए, जितना तक हमको पता है उतना तक तो हम सिखा ही सकते हैं आपको। लखपति करोड़पति आप भी बन पाएंगे सर, जस्ट एक भरोसा आप मन में रखिए। कुछ साल पहले की बात है, मंटो सर मैं एक मिनट और लूंगा सर, बहुत इमोशनल दिन है मेरे लिए सर। बहुत साल पहले की बात है, मैं इसी हॉल में आया था एक रैली में, और पीछे कोने में एक सीट पर बैठा था, और स्टेज पे मैं कई लीडर को बोलते सुना हूं। एक इंस्पिरेशन मन में आया और मन मन में सोचा कि मेरी जिंदगी में कभी ऐसा दिन आएगा कि मैं स्टेज में खड़े होकर बातें करूंगा और मेरे फैन फॉलोअर सामने बैठे होंगे, और हकीकत में वो दिन आज के दिन है सर। आप में से सबको ही जहां पे आप बैठे हैं, मन में एक विश्वास पैदा कर लीजिए कि अपने को भी अचीवर बनना है, अपने को भी पैसा बनाना है, अपने को भी इज्जत कमानी है, अपने को भी रिकॉग्निशन पाना है ना। सो थैंक यू वेरी मच, बाद में बातें करेंगे ट्रेनिंग सेशन में, अभी तो मंटू सर मेरे से छीनने के लिए तैयार बैठे हैं। ओके थैंक यू, लव यू ऑल, लव यू।